वेलकम बैक टू कॉमेडी का डेली शो। खबर दोस्तों, आम जिंदगी में हर आदमी कभी ना कभी ऐसा सोचता है कि अगर यूं होता तो क्या होता। जबरदस्त ऐसा ही आजकल हमारे सुरेंद्र पाजी सोचते हैं कि अगर इस शो का एंकर मैं होता तो क्या होता। खबर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बंद हो गई ना आवाज है, बंद हो गई क्या? इधर क्या एडजस्टमेंट क्या कर रहा? ढंग से खड़ा तो हो, जो काम आता है वही करो। थबड़ 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 आओ ले लो। तो दोस्तों ये तो था मजाक, लेकिन मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि अगर ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। अगर अपने भप्पी दा म्यूजिक डायरेक्टर ना होके अगर चाट बेचने वाले होते तो क्या होता? अपना हाथ दो इधर। अच्छा, अरे क्या बात है भप्पी दा, अगर आप कहते हो तो फिर मैं खा लेता, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता होगा ना भपिता? जब से वो दो कामिना लोग आया है हमारे लेफ्ट में, वो क्या नाम है उसका, प्रीतम, और राइट में तब से हमारा बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं, इन लोगों ने वहां भी कॉपी करना नहीं छोड़ा। अब हम सोचता है कि एक ऐसा बिजनेस करेगा जिसका साला कोई नकल नहीं कर सकता। ऐसा बिजनेस कौन सा है भपिता? हम सोचता है कि आप नकली नोट बनाएगा, जो पहले से नकली है उसका कौन नकल करेगा? क्या बात है, सुपर आइडिया भप्पी दा, ऑल द बेस्ट टू यू। क्या बात है, एक ठो गान गाए? नहीं नहीं, गान ना भी एक ठो गान, नहीं एक ठो गान, एक ठो गान। कॉमेडी का डेली शो, कॉमेडी का डेली शो, अभी जाचे। ये पहले एक्टर जिसने मेरे शो की प्रमोशन की है। अब सोचिए कि अगर यश खोपड़ा साहब फिल्में बनाने की बजाय अगर टीवी पे लोगों को प्रवचन देने का काम कर रहे होते तो क्या होता? नहीं, वो अपने भक्त जनों की समस्या समझते हैं, इसलिए उन्होंने प्रवचन ट्रांसलेट करने के लिए एक शिष्या भी रखी हुई है। हाँ, गुरु जी कह रहे हैं कि सभी दर्शकों को उनका प्रणाम। वो गुरु जी कह रहे कि हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, और गुजराती में कहते हैं हूँ तने प्रेम करू छू। गुरु जी कह रहे कि होठ रसीले तेरे, होठ रसीले। गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुरुजी किससे कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आकर मुझे बताइए। अरे अरे, अब इन्हें कौन बताए कि यश जी की लैंग्वेज वाली डिक्शनरी अभी मार्केट में नहीं मिलती। एनीवेज, सोचिए अगर नाना पाटेकर साहब एक्टर ना होते और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में कंडक्टर होते तो क्या होता? आइए देखते नाना पाटेकर किधर है, बताओ जल्दी। बे सवारी लोग, बस में ज्यादा मचमच करने का नहीं, ये बस अब सीधा कोल्हापुर ही जाएगी। और हाँ, सीट पे धम से बैठने का नहीं, पहले देखने का, सीढ़ी भरने का, यहाँ वहाँ देखने का, मन से डोबरमैन बनो, सूंघो, चला उधर बम हो सकता है, बम बम बम, समझते हैं ना। इधर देख क्या लिखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरे फिर कोल्हापुर में नहीं, सीधा ऊपर की टिकट कटी। हाँ चले कृष्णा, बस निकल। दोस्तों
मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, हाँ मैं भी सोचता हूँ कि अगर मैं एक्टर ना होके पॉलिटिशियन होता तो क्या करता। you know, सबसे पहले तो मैं सारे देश के लिए ये कॉमेडी का डेली सोप देखना कंपलसरी कर देता। नहीं नहीं, मैं अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। लोग ये शो देखकर आप लोग हंसते हो ना, और हंसने से सेहत अच्छी होती है ना, और लोगों की सेहत अच्छी होगी तो देश खुशहाल होगा, है कि नहीं? है क्या? है, है। और ऐसे ही नेता की जरूरत है जो देश में आके खुशहाली ला सके। एक काम करो, तुम लोग जाओ बंदूक बंदूक लेके बाहर पहरा दो। एक मिनट, वहां पर पहन लेता हूँ। भाइयों और बहनों, सर हमारा 9 बजे का शो है, धोती नीचे रखिए। टोपी पहनो, अदब से बात करो। हम आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आने से पहले ये हमारी ही तारीफ, हमारी ही प्रशंसा कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने ये सोचा है कि अपने इलेक्शन की कन्वेंसिंग के लिए हम तुमको लेके चलते हैं। चलो जरूर। अब पेमेंट का क्या होगा सर? 5 लाख। अच्छा, ये इलेक्शन के पहले देंगे या इलेक्शन के बाद में? बात सुन, हम देंगे नहीं, हम लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ सर, इलेक्शन विलेक्शन का चक्कर छोड़िए सर। आप कहाँ आप MLA MP बनेंगे, इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो सर। हाँ। आप क्या बोलते हैं, किसी रियलिटी शो में जाइए, कुछ मजे लीजिए। यार तू तो यार बात में लगा दे, मेरा सेक्रेटरी रख लिया भैया। सेक्रेटरी? अरे माय गॉड, वो इतनी देर से जो आदमी वहाँ खड़ा है वो आपका सेक्रेटरी है? अरे जाइए, आपका इंतजार कर रहा है। जा रहे ने, मन में गाली दे रहा होगा। फाड़ फाड़ के चिल्ला कह रहे हो? ए तुम्हारी भैंस के पुत, तमीज से बात करना। सेलिब्रिटी है बेटा। सेलिब्रिटी है क्यों? 15 दिन से नहाए नहीं है, सेलिब्रिटी। जिस गली से गुजरते हैं बच्चे बोलते हैं झोली बाबा आया भागो। सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी है, अपना स्टाइल है, समझे? ये दाढ़ी, ये मूछ, समझे? आजकल के ये सिजेरियन लौंडो की तरह नहीं है कि मूछ मुड़ा के घूमे। ठाकुर है, समझे? हाँ, दाढ़ी मूछ की आन बान और शान है। आन बान और शान, एक एक स्पॉट बॉय है परेशान। काहे? हर आधे घंटे में चाय ले आओ, चाय ले आओ, आधी चाय तो दाढ़ी मूछ सोख जाती। एक बात सुनो। हाँ सुनाओ। हमने तुमको अपने काम पे रखा है ना, तनख्वाह देते हैं, हमारे लिए अच्छा काम ढूंढो, राय मत दिया करो, कुछ नहीं तो रैंप पे वॉक तो दिलाओ। रैंप पे वॉक है? हाँ, और क्या, मॉर्निंग वॉक करने लायक है नहीं, रैंप पे वॉक करेंगे। तुम्हारे जैसा बदतमीज सेक्रेटरी मैंने आज तक देखा नहीं, पता नहीं कैसे आराम झेल रहे हैं। इनको कहा हमने कि भैया फिल्म दिलाओ, शाम को आ गए, एक तो सीडी देकर 4 फिल्म है ले ओ। नहीं देखो, हमने कोशिश बहुत किया है, वो पिपली लाइफ में नत्था के रोल के लिए आपका नाम फाइनल करवा दिए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है आपसे भी गंदी शकल वाला इंसान उनको मिल गया, तो हम क्या करें? अब आपका बेड लकी खराब है तो हम क्या कर सकते? अरे तो तुम काय के लिए हो, परसेंटेज का है 10% 20% की डिमांड करते हो? हमारे लिए कोई अच्छा एड ढूंढो। एड? यस, एक एड दिलवाया था इनको, आज हर बिजली के खंभे में फोटो लगी होती इनकी, और नीचे लिखा होता खतरा, मना कर दियो।
अरे ये उम्र ना ना यार खंभे पर टांगने की यार। हम कह रहे कोई अच्छा खासा कायदे का प्यारा सा ऐड दिलवाओ तो मजा आवे। अच्छा, प्यारा सा मतलब इधर आ। लिपस्टिक का ऐड करोगे क्या? दिलवाओगे तो कर लेंगे यार। दिलवाओ तो कर लेंगे और क्या। अरे लिपस्टिक जो है वो महिला वाला आइटम है समझे। अच्छा हाँ। जब पुरुषों की शेविंग क्रीम में महिलाएं घुस सकती हैं हाँ। है? तो महिलाओं के लिपस्टिक के ऐड में पुरुष क्यों नहीं घुस सकता? नहीं नहीं हम मानते पुरुष तो घुस सकता है हाँ। लेकिन पुरुष घुस सकता है आप क्यों 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 नहीं नहीं आप तो महापुरुष हो ना तुम ये सब छोड़ो तुम्हारे बस करना है ना हाँ। तुम ऐसा करो हमको राजनीति में ले चलो राजनीति राजनीति में हाँ। आपको नहीं लगता कि कुछ विलंब हो गए हैं आप? कैसे? अगर राजनीति तो रिलीज हो चुकी है आप कहाँ से घुसे ना? अबे कौन मुहूर्त में पैदा हुए थे यार तुम्हें? अबे वो वाली राजनीति नहीं असली असली वाली राजनीति उसमें तो पहले से घुसे हुए हो। कैसे? अब डेली सोप से ज्यादा राजनीति और कहाँ होती भैया? अरे नहीं डेली डेली नहीं डेली नहीं वो दिल्ली दिल्ली। अच्छा दिल्ली वाली राजनीति इस उम्र में घोटाला करने का बड़ा मन हो रहा है। तुम समझ ही नहीं सकते हमेशा नोट देखते हो कमीशन। हम चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में गरीबों के बीच में जाकर उनका दुख दर्द बांटे उनकी सेवा करें। एक बार बुजुर्गों की सेवा करने के चक्कर में वृद्धाश्रम पहुंच गए 8 दिन तक वापस नहीं आए। मैं वहां पे जाकर के गया ढूंढा इनको तो मालूम पड़ा वृद्ध समझ के वृद्धाश्रम वाले इन्हीं की सेवा करने में लगे हुए हैं। तुम नहीं समझ सकते दुख दर्द नहीं समझ सकते। हमको इतनी पॉपुलरिटी मिली है इतनी पॉपुलरिटी भरी पड़ी है निकाले कहाँ यार। एक काम करो बिग बॉस में घुस जा भर भरा के बाहर निकाल आएगी पॉपुलरिटी। नहीं यार अलदा बुल्दी होती वहां नहीं जाएंगे। एक काम करो हाँ। तो हमको ना केबीसी में ले चलो। वहां पर एक ही दाढ़ी बाबा की जरूरत थी उनका रोल फाइनल हो चुका। तो फिर एक ही चीज बची है गुरु ये तुम कर जाओ समलम बांध जाएंगे तुमको। तुम ना किसी चैनल पे गो ग्रीन हमारा स्वयंवर करवा दो। स्वयंवर 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 पता है हाँ। स्वयंवर शुरू होता है तो 6 महीने तक चलता है। बिल्कुल 6 महीने तक चल पाओगे? तुम यार चैलेंज मत दिया करो हमको। अच्छा, तो फिर बताओ फिर हम करें क्या? फियर फैक्टर में चले जाओ। अबे वहां हम रखा काम यार। देखो हम उनसे बोलेंगे हाँ। ये जो केकड़ा सांप बिच्छू ये सब हटाओ और बीच में इनको बैठा लो फिर देखो। बहुत तुम बेहूदे आदमी हो यार हाँ। करें काम ले आओ मरेंगे एक तमाचा। बेटा सुनो आते हो तो वेलकम और जाते हो तो भीड़ के काम ना बचाओ यार। अरे अरे सर अरे बाबा इतना हंसी खुशी वाला शो है सर ये कहाँ मार पिटाई की बातें कर रहे हैं सर। हमारे शो पर आए आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए। नहीं हम मुस्कुराते रहते हैं यार हम अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नहीं आप मुस्कुराइए ना एक बार क्या बात है देखो मुस्कुरा रहे हैं आप अब गले लगी एक दूसरे से। आजा, आजा। से। रमजान से पहले भी और रमजान के बाद भी लगेंगे आ जाना। जोरदार तालियां अनुपम जी और राजीव निगम के लिए। तो दोस्तों ये तो थी कॉमेडी की झाग और अनुपम जी को आपने देखा कितनी सारी झाग लेकर आए थे वो। क्या बात है देखो भाइयों ये लोग पैरों से चटनी बनाते हैं और मैं हाथों से चटनी बनाता हूँ। तो शर्मा जी अभी 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ मैं आपको
मंडे को मिलेंगे रात को 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, इसी शो पर जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे लिख लेना, इस शो का कोई प्रमोशन ही नहीं कर रहा है यार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.